हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं वट श्री चुम, जो कि मुआंग सुखोथाई डिस्ट्रिक्ट सुखोथाई थाईलैंड में पड़ता है। साथ में ही हम आपको दिखाने वाले हैं एक प्रमुख पेड़ जो कि 200 साल पुराना है, और साथ में हम दिखाएंगे थाईलैंड के वीराना हो गए मंदिर को भी। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। जैसा कि इधर गेट रहा और इधर आप देख पा रहे होंगे कि दो लोग जा रहे हैं, जिसमें एक गुरुजी और एक ऋषि परंपरा को मानने वाले हैं, जो कि हमें थोड़े जानकारियां देंगे। यहां पर आने पर आपको देखने को मिलेगा वीराना हो गई खंडहर और यहां पर खड़े पिलर, जिसे देखने पर यह पता चलता है कि यह कितना मजबूती से खड़ा है। जब इसे बनाया गया होगा तो यह कितना भव्य और मजबूत होगा, जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पर आया करते होंगे। देर बाद हम इधर साइड आ जाते हैं, जिधर आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल वैसा ही पिलर, और हम आगे हैं भगवान बुद्ध के द्वार पर, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ उपासक लोग इन्हें नमन कर रहे हैं। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा नालंदा खंडर में जो खोल सा होता है ईंटों के बीच, वैसा। थोड़े अंदर आने के बाद आपको एक पोस्टर मिलेगा जिसमें भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी दी गई है। अब हम आगे हैं उस विशालकाय पेड़ के पास, जहां पर एक बोर्ड लगा है, जिस बोर्ड में लिखा गया है यहां 200 साल का एक प्रमुख पेड़ है, जिसकी परिधि 6 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर है। माना जाता है कि वट श्री चुम यानी ये मंदिर को एक महान राजा जिनका नाम रामकमहेंग था, इस स्थान को अयोध्या काल के अंत में वीराना होने से पहले राजा कमहेंग महान के शासन काल के दौरान बनाया गया था। मुख्य मंदिर की बाईं ओर लेकर चलते हैं, जहां पर आने पर आपको दिखेगा कि यहां का ईंट जो है नालंदा से मिलता जुलता है। हो सकता है कि उस समय काल में नालंदा से प्रेरित होकर इस मंदिर को बनाया गया हो, क्योंकि यहां पर बुद्धिज्म से रिलेटेड सभी चीज पर ध्यान दिया जाता है। तो क्या पता किसी बुक में इसका उल्लेख होगा कि इस तरह का ईंट का प्रयोग किया जाता है, जिसे देखकर नालंदा से प्रेरित होकर इसे बनाने का कोशिश किया गया हो, ताकि यह एक प्रयास हो सकता है कि उसके जैसा बनाया जाए, और बहुत हद तक बनाया भी गया हो। जैसा कि यह मुद्रा चारों दीवारी के बीच में एक दरवाजा सामने और भगवान बुद्ध आसन लगाए हुए, मतलब ध्यान की मुद्रा में, ऐसा नालंदा में भी मिला है, आप जाकर वहां भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेरणा लिया हो, यह जरूरी नहीं है कि प्रेरणा वहीं पर जाकर लिया गया हो, यह भी हो सकता है कि किताब के माध्यम से यह प्रेरणा लिया गया हो, क्योंकि बुद्धिज्म का बुक सारे देश में अवेलेबल है और इसका इतिहास का भी वर्णन किया गया है। अब हम चलने वाले हैं गाड़ी की मदद से दूसरे जगह। जैसा कि हम दूसरे तरफ आ चुके हैं, इधर जो सामने गाड़ी खड़ा है इसमें हम बैठेंगे और बैठकर अपना यात्रा फिर से शुरू करेंगे। सामने आप अद्भुत आकृति देख पा रहे होंगे, जिसे बुद्धिस्ट लोग अस्तूपा कहते हैं। अस्तूपा मतलब बुद्धिज्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो कि बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि पंजर को संग्रह करने के लिए और उनकी याद में बनाया जाता है। जिसे आप सामने देख पा रहे हैं वह एक हिंदू मंदिर है, तो हमें बाद में पता चला, तो जिसके कारण हम सिर्फ सामने से ही वीडियो बना पाए।
यह स्थान बहुत लंबा चौड़ा में फैला हुआ है, तो बीच बीच में स्तूपा और भगवान बुद्ध की मूर्ति और खंडित अवस्था में पिलर देखने को मिल सकता है। बीच बीच में पानी का सरोवर, तालाब और स्तूपा देखने में इतना अद्भुत लगता है कि जैसे कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। आने पर आपको देखने को मिलेगा टेबल, कुर्सी और टेंट, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। कितना सुंदर अद्भुत यह साम्राज्य होगा उस समय काल का। यह स्थान आपको देखा देखा लग रहा होगा क्योंकि हमने यात्रा यहीं से शुरू किया था। लगभग आप देख सकते हैं अब हम पहुंचने वाले हैं। गाड़ी से उतरने के बाद हम आपको आसपास के इलाका को दिखाने का कोशिश करेंगे। हालांकि इस दिन दुकान ज्यादातर बंद ही था। बहुत देर घूमने के बाद अब हम चलते हैं वापस।